तो हेलो गाइस, क्या हाल है सब? क्या सब बढ़िया होंगे? तो भाई अखबार के ऋषिकेश, तो भाई सुबह सुबह रखिए, सुबह हम रात को तो सो नहीं पाए, ठीक है? सुबह सोए होंगे 4-5 बजे से, 5 बज चुके लगभग, और अभी बंजी जंपिंग करने जाएंगे, नहाएंगे पहले, तो चाय वाय पियेंगे, उसके बाद जाएंगे बंजी जंपिंग करने। देख सकते हो पहाड़ है भाई, पूरा मल के अच्छा नजारा है। यहाँ की तो धूप नहीं लगती, सच बता रहा हूँ, मजा आता धूप लेने में। अभी दिखाता हूँ इनको, लंडू रोको के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है रे, हमारे रूम में क्या कर रहा है भाई? ये मैं तो काला मुंह, ये गंदे काम कर रहा है, क्या कर रहा है तू हमारे रूम में? ये देखो रात का क्या कर रखा। तो भाई अभी मिलते ना दोगे कि नाने गुस्सा हुआ है, उसको अभी एक्सपोज करते हैं। हाँ शैम्पू ना ले रहा है, गेट खोलिए एक बार, ले शैम्पू वर्ड भाई, देख लो देख लो, गाना आए या ना आए, गाना आए ओ बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। इनके में शावर था। ये देख लो भाई, इसकी हरकत देख लो, कैसी कैसी हरकत है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, ये पूरा वो है। ये भाई मैं कम्युनिटी पे नहीं कह रहा बिल्कुल भी, लेकिन ये थोड़ा इसमें फर्क है। ये वो देखो, इधर नंगा नाच, इधर देख देख, चलो चलो चलो, यहाँ से निकल चुके हैं ना, दो के ऑल सेट, विक्की बैठा है साइड में, आगे बैठा है सागर, साइड में बैठी है बड़े बूढ़े भाई है ना, है 55 साल के। आप भाई अभी जा रहा हूँ बंजी जंपिंग करने, अभी दिखाऊंगा तुम्हें, या तो मैं आर हके कैसे फटती है मेरी, या कैसे क्या, अरे तुम्हारे भाई की फटती नहीं है, नहीं पता होता, अभी देखी हूँ वहाँ एक ही बार में जाऊंगा। और व्यू देख लो भाई, व्यू अच्छा है, साइड में गंगा चल रही है, व्यू है अच्छा, और साइड में पानी है अच्छा, क्या राइमिंग है सागर, वाह यार उस्ताद। ये बंदा ऊपर देख रहा है कि कितनी हाइट है, क्या कुछ नहीं है, पागल है क्या, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना, शकल लगाई हो। हाय मेरे भाई की हालत टाइट है, बीइंग ह्यूमन लिखा है, इसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फोन तो रख जा मेरे घर का रोटी पासवर्ड मैंने ले लिए, कुछ मैं निभाऊंगा सब, जा रहा है अभी जा रहा है कपिल जो है क्विक जंप करने, उसके बाद कपिल जो है वो बंजी जंपिंग करेगा। हम में से किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, बिकॉज हमारी तो हिम्मत ही नहीं है। चलो चलो चलो, कपिल के फोन वोन सब ले लिए हैं कि भाई तुम कुछ भी ऊपर लेके नहीं जा सकते हो, जाना ओवर एक्टिंग मत कर ज्यादा, यहाँ से फेंकेंगे। पीछे देखो पीछे देखो पीछे देखो, तुम सभी को बाफ आ रही है। ये कपिल नहीं है, पर कपिल ऐसे ही कुछ करने वाला है, विकी डरा रहा है पहले। कपिल गया भाई, भाई साहब हम कपिल का वेट कर रहे हैं, जल्दी से कपिल आ जाए, और अभी इसको पैक वैक कर रहे होंगे। मुझे इस बंदे की शक्ल देखनी है बस, और कुछ नहीं है, मेरा मकसद जो है आने का। कपिल को भी हमारी टेंशन है कि बैठ बात लिए तूने, यहीं से आएगा क्या, बस इतना ही है। अब कपिल को ना ये जो है ना, ये 5 मिनट तक पकड़ के रखना है, फिर उसकी एक राइड फ्री हो जाएगी। कोई बंदे ने 4,000 की टिकट ली है, 4500 की, ये क्या कहते हो, रख लेगा ये 5 मिनट? तुझे क्या लगा उसके असिस्टेंट? एक मिनट टिक जा, वो बहुत बड़ी बात है, नहीं टिक पाएगा। विक्की तुझे क्या लगा, पैर ना लगाने, सिर्फ हाथ हाथ पे रुकना, हाथ हाथ पे रुक जा, मतलब ही ना है, फिर पकड़ लेगा इसको, पकड़ लेगा, बहुत एक्सपीरियंस है कर रखी है इसने। कपिल का बिल आ गया है, दिखा देती हूं, बेल्ट वगैरह बांध दे अब उस पे, ये बंदी जंपिंग है, वहां इतनी ऊंचाई से कूदाएंगे इसको, तिरपाल बिछा दे कुछ नहीं, तो जो पैसे कम देगा खुदा धक्का दे दे पैर में, काम खा भाई, रोड़ा कट होगा किसी का। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, अपने दिल्ली में भी ये बनाते हैं, और किसी की लड़ाई वगैरह होती है तो उसका बस वो क्या है, पिता ढीला करना है और जा। अरे भाई आ रहा है, रुक जा लोंड आ रहा है, इतनी जान है, हाँ लोंड आ रहा है, कपिल की ताकत पता लग जाएगी, जितना बोल रहा है ना ये, उतना है भी या नहीं। आ जाए ना, तो
पता चल गया। कोई ना बेटे आ जा, कोई ना आ जा। तीसरे में जब इन्हें देख के तो मेरी धड़कन सी तेज हो रही है। ये है बंजी जंपिंग, ये करेगा कपिल इसके बाद। आजा आजा कपिल, कूद भाग के पीछे थे। ओए भाग के कूद पीछे थे। अच्छा कूद जा, कैसे भी कूद, पर कूद आजा। तो नीचे हम तिरपाल बिछा रहे, तू कूद। ओए ओए कपिल, शाबाश शाबाश, लगा रहे, छोड़िए मत। पांच मिनट तक यो छोरा, छोड़िए मत बस। पांच मिनट कपिल, अगर फ्री राइड चाहिए छोड़िए मत। कितनी देर होगी अभी? तो एक मिनट भी ना हुई, 30 सेकंड हुई है। ना होली पागल है, मैंने 11 पे शुरू किया था। ओ छोड़ दी, आ गया यो। मैं हूँ एक निंजा। 30 सेकंड बस। मजा आ गया? मजा तो आया। पहली बार तो मेरा कैसा लगा था कि कूद उस बहुत दूर है, तुमने लगाया कूद ना दूर है भाई, बिल्कुल दूर लगा, ना पहुंच पाऊंगा लेकिन यार वो ये अभी तो बेचारा थर्ड फ्लोर से कूदता है, अभी तो ये कूदेगा कौन? अभी भी कम टू 55 मीटर। ये कितना था बेटा? तू बेचारा जा रहा है बंजी जंपिंग करने। वो तो पकड़ा नहीं गया क्योंकि वो है ना स्लिप हो रहा था। ठीक है मैंने पकड़ा 30 सेकंड्स पकड़ा था मैंने। इट्स ओके, नाइस, वेरी नाइस। से सेकंड्स में स्लो मोशन बना, ऊपर जाति बल हो गए। सुन तू स्लो मोशन बना नहीं, दामने के फोन पे वीडियो बना ले। मां कसम पड़ेगी तेरी, चल लोग कही हो जाति बल हो। यहाँ से है व्यू, तो यहाँ तक कूदेगा कपिल हमारा। इट विल भी पड़ेगा नीचे, डन मुंह के बाद। यो हवाबाजी में कह तो गया कि मैं कूदूंगा, ये कर दूंगा। नहीं ये इस बेशक डरे, पर जब ये नीचे आएगा ना तो ऐसा दिखाएगा बस। मैं कितने उस वक्त ना ना मैंने बेरा था कि फटके भाग, उसके परले वाले फटके चालू की थी, तू देख रहा था, देख कैसे सीरियस हो रहा था, सीरियस होगा था जैसे पता नहीं क्या ही ना पहाड़ चढ़ना है। ये भी हद तक कूदेगा ना, ये ऊपर तक इसकी फटके चालू हो जाएगी, नीचे आऊंगा एकदम फटी मतलब फटी उठ लेगा वो डाल रहा है, वो डाल रहा है। फिर उसके बाद मारते दिखाऊंगा। अरे दिखाने के को, अरे मेरे तो दिखाना है वहां। फिर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यो मारता ऐसे दिखाऊंगा कि जिसका कुछ हुआ ही ना है। वही यहां तक कूदेगा 55 मीटर कितना हुआ 55 मीटर यार, मैं छोरे का रिएक्शन कितना इंच हुआ? वुमेन इज लाइक वेरी मच इंच, बहुत हजार इंच यार। कोई ऊपर तो बिना इसके कूद मर जाएगा? वो तो पागल है, मैंने मुराने की बात क्यों करा है, लेकिन फिर भी मरेगा। अरे यार 55 फुट है, इट्स नॉट अबाउट जो 55 मीटर मीटर है, 55 मीटर एक मीटर में 3 फुट 2-3 इंच है। हाँ ओ पता ना 3 फुट कुछ रहा है। आई एम सो डम्ब वुमेन। तब कपिल पहुंच गया ऊपर, ऊपर से हाय कर रहा है। बिना रस्सी के कूद जा, कूद जा खा ले जाके। ना ना बिना रस्सी के कूद जा कपिल।
किस चीज का सर्टिफिकेट लेगा? तू सर्टिफिकेट ले, ये तीन फोटोकॉपी करवा लेंगे बड़ा इसकी। तीन फोटोकॉपी करवाऊंगा भाई इसकी। ठीक है भाई, ठीक है। सर सरनेम W8 है। नौकरी में काम आ जाएगा। मेरा क्या कूदती है ना, कुछ ना मन भी रहा, धक्का देना मन तो कुछ करना है ना, ठीक है। लेकिन वो अनु करूंगा ना, हड़का सा हड़का सा, बस उसी में फटा वो पहाड़ दिखा देगा पता चलता है। तो भाई अभी यहाँ से ऊपर से वो एक्टिविटी करके नीचे आ रहे थे, तो व्यू देखो। वैसे पानी का सैलाब इतना तेज है नहीं, राफ्टिंग तो हो नहीं सकती, इसलिए हमने राफ्टिंग की नहीं। बाकी जो कि आपको ना अलग से ब्लॉग में डाल के दिखाऊंगा। बिल्कुल बहुत अच्छा किया है, लेकिन बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मतलब कि एक आँखों में है ना क्या कहते हैं, अलग ही फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत राफ्टिंग का मज़ा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा तेज बहाव है, लेकिन वहाँ पीछे से जो आ रहे हैं ना कोई मज़ा नहीं है। बाकी अच्छा है यार। तो भाई हम जा रहे हैं मनसा देवी, हम बैठ लिए उड़न खटोले में, देख सकते हो सागर पूरा रात ले रहा है, खिला बैठा है उड़न खटोला भाई साहब, हवा मार रहा है। आप सीधा ऊपर मनसा देवी के दर्शन करके फिर घर निकलेंगे। इट्स लाइक ऑसम ऑसम समवन इज मेकिंग पटड़ी तो उतर जाएगा नीचे। अभी मैं तुम्हें नीचे का दर्शन दिखाऊंगा, जाए उड़न। यो सारे रास्ते इसी तरह पैदल चलना पड़ता, हमने जो रास्ते जा रहे हैं यून रोड पे। हां यो रोड पे है। तो अभी दर्शन करते हैं फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। टाइम हो रखा है 1 बज रखे हैं, और यहाँ पे सागर कॉफी पीने आया है, सागर की डिमांड पे आए हो यहाँ पे कॉफी पीने, और यहाँ पे बोन फायर ले रहा है। विक्की पूरी आँच बाल रहा है, विक्की बाल देगा, विक्की तो बाल देगा, भरोसा मन तेरे पर, तो कुछ ना कुछ कर देगा। तेरा हाथ देख कर मुझे लग रहा है तू बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, तू बहुत प्रैक्टिस कर रहा है। टाइम हुआ है 4:17, आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, हम थे दूसरे रूम में, ठीक है। अच्छे बोले हम बैठ के लूडो वूडो खेल रहे थे यहाँ पे इकट्ठे, तो हम थे दूसरे रूम में, मैं और विक्की, और इस कमरे में था मैं एकला, इस कमरे में था सागर इस कमरे में था भाई सागर, ठीक है, उस कमरे में और विक्की भाई। अच्छे भले लेटे हुए यार, हमने वीडियो कॉल कर रखी है कमरे फ्रेंड्स के पास, तो थोड़ी देखो हमने शीशे में से, जैसे ये शीशा है ना, ये शीशा है ना, तो मतलब कि इसके जो जो उस कमरे का दूसरे कमरा है ना हमारा, उसका बाथरूम का गेट इसमें दिखता है, ठीक है। उससे जस्ट 5 मिनट पहले हल्की हल्की चूड़ी की आवाज़ आई भाई, सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे को चूड़ी की आवाज़ आई, मेरे को ना पता भाई कहाँ से आई कहाँ से नहीं, हल्की हल्की चूड़ी की आवाज़ आई, दिमाग में एकदम पिक्चर बन गई भाई, शीशे में खड़ी है लाल रंग की चूड़ा चढ़ पहन के, और भाई तैयार होकर जिस तरह नई नई मिली दुल्हन जिस तरह, मतलब कि जो भी उसके गला बुरा हो रहा हो तो दिमाग में इसी में जाए, मैंने भाई विक्की तो बताई विक्की हो रहा भाई मुझे पड़ा, मैंने विक्की तो बताई मैंने विक्की तो बताई भाई, भाई विक्की नुनू विक्की के भाई ये बाल खड़े हो गए गूज़बम्प्स हो आगे, ठीक है भाई सच्ची बात है। चल हुआ सागर तेन लेके चल हुआ दिखाऊंगा तेना है, तो भाई क्या हुआ मैं और विक्की भाज आए भाई सागर के कमरे में, ठीक है। सच बताऊं भाई कसम तक जो है ना पार्टी की मारी खाती गंदी दरिया, मैं और विक्की भाज आए भाई सागर के कमरे में भाई, पता नहीं क्या कमरा ले लिया भाई, विक्की बता दे तू सर सागर ते बताई ना, मैं सागर शीशे में कमेशा हो जाता सागर में, मैं तो कमर में देख के बेहोश हो जाऊं। मैं तो कह दूंगा सागर अगर तू बैठा है फिर एकदम तू ये ना सो रहा है तू उठे और सामने को लाल सुड़े में खड़ी है और कहना मैं मांग मूंग बोल रखी है ऐसा कड़े मका भाई, मैं तो कमर उड़ के बेहोश हो जाऊंगा, मका जो भी है बाल पाट लो मेरा, सुबह 11 बजे चेकआउट के टाइम में आऊंगे गेट बजाते हैं अपना हम खोल के ले जाएंगे ना। देख भाई भाई कसम तो सच्ची बात है, इस कमरे में भी आकर सागर खुद बता देगा भाई, मन है नहीं मेरा किस चीज की, लेकिन भगवान कसम भाई किसी भी चीज की कसम खा लो गेट टाइम देख लो टाइम देख कितना हो रहा है, वरना यार हम पागल थोड़ी है 4:20 गेट बजा दिया मेरी गांड फटी की, और इसका गेट भी है अपने आप पर खुला है,
गेट इतने दो तीन बार बजाया अपना अभी खुल गया वो, चल वो गेट मान सकते हैं हम कि भाई कुंडी हल्की फुल्की चटक रही होगी तो वो गेट खुल गया होगा ठीक है। और तुम तो देखो अपने आप खुल गया मेरे वाला पहले टपकी आवाज आई यार तू एक बात बता सागर मैंने जिस तरह टपकी आवाज आई जब मैं गेट की आवाज क्यों आई देख भाई कसम भगवान कसम बाय बाय यार अब कल वो लोग ना आए तो समझ लेना अब खत्म है। ये है हमारा रूम ये साइड वाला एकदम चल गया वाइब देख तो इस तो पहली थी एक पतीली थी भाई भी ना लड़ी यार हवा तो हल्की फुल्की था है मौसम के कुछ था ना पहली तो पेड़ ये सुन सुन कर रहे थे देख ले भाई तो भाई बात ऐसी देख सच बताओ ना यू डी बड़ा चसारा कर इस लागा डर ठीक है हकीकत बताऊं तो और इसमें भी भाई देख लो पूतड़ी बातड़ी जिसी है लेकिन है ना देख आवाज जरूर आ रही थी लेकिन वो हवा हवा की हो सकती है हमने मीन करना था सागर सागर के साथ करना था प्रैंक का जब ये व्लॉग देख के जब पता चलेगा उसको ठीक है लेकिन ईव सच में ना खतरनाक प्रैंक होगा वैसे कभी देखा जाओ तो लेकिन विक्की तो क्या लेट सागर सो ना भाई भाई पता की है मान लो हमने प्रैंक करा लेकिन यार खुद भी कई बार लगन लगी थोड़ी सी महसूस हो रही है हमने भी चीज क्योंकि आवाज कई ऐसी आ गई ठीक तो भाई उनकी बोल दिया आ रहे हैं लेकिन हम भी यहीं फोन स्विच ऑफ करके सो जाएंगे बड़ा मस्त टन चौक कोई दिक्कत भाई उसकी भी किंडी पड़ी है कि इस कमरे में सच में भूत है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आवाज जरूर आई थी फनू देख लो डी बड़ा किसा लग गया जिस तरह वो खंडर में नहीं हो पुरानी वीराना फिल्म पुरानी कुछ भी हो रहा है तो एकदम एकदम कुछ कुछ हो रहा है माइंड हमारा इस तरीके से काम करे ना कि एक बार जो चीज सोचने लग जाए ना वो चीज हकीकत में होती सी लगे तो वह चीज हो रही है भाई तो बाकी अब आ रही है नींद भाई बढ़िया थोड़ी देर एक डेढ़ घंटा नींद लेंगे उसके बाद अपना फिर सुबह फिर निकलना है। तो भाई इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।